भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती के अवसर पर आचार्य कुल इकाई एवं सर्वोदय गोरखपुर शाखा एवं श्री गांधी आश्रम भंडार के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विनोबा की प्रासंगिकता विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन जलकल भवन स्थित गांधी भंडार में के समक्ष किया गया। इस मौके पर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडे, डॉ आध्या प्रसाद द्विवेदी, राजेश कुमार द्विवेदी सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने अपने विचार प्रकट किए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा, माल्यार्पण करें, नहीं है तो आग्रह करता हूं कि और ये महिला मंडल एक निकाला है और निकालेंगे, ऐसा निवेदन है कि समाचार पत्र में लगवाने का भी प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग के जो जोरदार तालियों से स्वागत करता है, इनका उत्साहवर्धन करें। और प्रथम यहाँ पे 3 साल चुनी गई हुई थी, रक्षा के लिए और स्थापना ही खुद विनोबा जी ने किया था। ऐसे आचार्य कुल को मैं प्रणाम भावे जी को कि उन्होंने अपने ना के वो गए हैं कि आज उस ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिभाएं लग जाए, उसे छूने में उन्हें समय तो जरूर लगेगा, संभवतः उस राह को लोग चलने के लिए तत्पर हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आज युवा पीढ़ी को है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करती हूँ। मुझे कार्यशैली की जो संगोष्ठी का है कि विनोबा जी के जो कार्यशैली को अभी क्या उनकी प्रासंगिकता हो सकती है, आपके प्रासंगिकता के बारे में मैं छोटा सा एक प्रकाश डालना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि वहाँ पे उन्होंने भूदान का जो उन्होंने एक अभियान चलाया था, उन्होंने कई लाख हेक्टेयर जमीन को दान में ले लिया था, क्या आज कोई दान देने को तैयार है? क्या आज कोई ईमानदारी से मैं बता दूं कि आज अपनी जमीनों को, जिसको वास्तव में जमीन है, वो उस जमीन पे पूर्णता के साथ रहने के बाद फिर भी उस जमीन पे काबिज करने की प्रेरणा आजकल आधुनिक समाज में जो हो गया है, वास्तव में हमारे देश के लिए जो हमारे पूर्वज, ये लोग हमारे पूर्वज हैं, हमें एक एक राह बना के हम लोग गए हैं, तो क्या ये चीज को आज के परिवेश में उनके इस कार्यशैली को, उनके इस जो इनका विचार था जो भूदान करके, भूदान करने के बाद आप भी जानते हैं पंडित मालिया जी ने एक दान से ही इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना किया, झोले में एक पैसा नहीं था, केवल झोला लेके गए और भूदान करा के इतने बड़े विश्वविद्यालय को, जहाँ बहुतों को शिक्षा दे के ऊंचाई प्रदान करने के लिए, और एक से एक वहाँ से महारथी विद्वान निकल रहे हैं। वास्तव में भूदान का प्रासंगिकता पूर्णता उसी से परिलक्षित होती है कि दान से कितना बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है। सभी को पता है कि इंसान है, इंसान बनाने के लिए ईश्वर ने बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें इंसान बनाया, लेकिन क्या हम इंसानियत को पूर्णता के साथ ही हम देखते हैं कि सारा इसी धरती पर डूब जाना है, हम लोगों के सामने ही लोग चले चले जाते हैं, दोबारा आते हैं किस रूप में आते हैं वो हमें ही नहीं पता चलता, लेकिन किस रूप में किस शरीर में रहते हैं उसी को हम पूजने योग्य या उसी से रिश्ता रखते हैं। और लेकिन उस प्रासंगिकता को हम लोग हर जगह ये पहुँचाने की चर्चा की बात है कि आप अभी कोई धारावाहिक आएगा, मैं चाहती हूँ कि उस धारावाहिक को बहुत कम लोग उसको देख जाके अपने उसको टीवी को ऑन करेंगे, ये नहीं कहेंगे अरे बच्चों चलो आप लोग बैठो विनोबा जी की चरित्र पे ये कथानक आ रहा है, उसको हमें देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कहते हुए मैं खुद शर्मिंदा अपने को अनुभव कर रही हूँ, ये चीज आजकल परिवार
राजेश कुमार द्विवेदी, राष्ट्रीय आचार्य कुल, आचार्य विनोबा भावे के, आज आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती के अवसर पर हम लोग श्री गांधी आश्रम जलकल भवन खादी आश्रम गोलघर में आचार्य कुल एवं सर्वोदय मंडल के संयुक्त तत्वाधान में मिला रहे हैं, मनाया जा रहा है। आज के भूदान के जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विनोबा की प्रासंगिकता ये रखा गया है विषय को, और वर्तमान समय में लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग नहीं करने देते हैं, और आचार्य विनोबा भावे ने 300,000 एकड़ ज़मीन को मांगने का संकल्प किया और नंगे पांव जा जा के उन्होंने भूदान किया, ग्राम दान किया, उसके बाद शहर का शहर दान होते होते उन्होंने अपना पूरे जीवन को उन्होंने 10 वर्षों तक इस यात्रा में लगाया। उसके बाद विनोबा जी ने भूदान आंदोलन के बाद गरीब जो अपने देश में शुरू में स्वतंत्रता के 5 साल बाद देश इतना गरीब था कि गरीबों के लिए अन्न नहीं था, तो उस गरीबों के लिए इस संत ने अपने जीवन को पैदल चल के और 200,000 एकड़ ज़मीन को मांग के और गरीबों में बांटा। उसके बाद विनोबा जी ने 1960 में डकैतों को, चंबल घाटी के डकैत बड़े परेशान करते थे, उनको अपने सामने नतमस्तक करके और उनको सही रास्ते पर ला के, अहिंसा के मार्ग पर ला के अपने जीवन को कृतार्थ किया। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे ने कहा कि सत्य प्रेम करुणा स्वाध्याय श्रम सेवा योग उद्योग सहयोग, ये तीनों का उन्होंने समन्वय किया और उन्होंने कहा कि इस तीनों से व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। और विनोबा जी एक हाथ में गीता का ज्ञान रखते थे और दूसरे हाथ में खुरपी पकड़ के अपना हल का काम करते थे, इसीलिए गीता जी आचार्य विनोबा भावे ने गीताई लिख के गीता प्रवचन को जेल में अपने संस्करणों को सुनाकर गीताई लिख कर अपने माता को मराठी में सप्रेम भेंट दिया कि माता हिंदी नहीं जानती थी, इसलिए ये बहुत बड़ा योगदान है देश का। उसके बाद उनको 15 नवंबर 1982 में उनका स्वर्गवास हो जाने के बाद 1983 में उनको भारत रत्न की उपाधि मिली।